गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हालांकि प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट कथनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कथन महापुरुषों द्वारा या किसी विशेष ग्रंथ में, विशेष साहित्य में दिया गया है, क्योंकि इसको भी जानना जरूरी है। स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो इसी को लक्षित करके मैंने सोचा कि स्टेटमेंट पर एक क्लास ली जाए। तो काफ़ी लोगों ने पहले से ज्वाइन भी किया हुआ है। तो आज का विषय है प्रमुख ऐतिहासिक कथन। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है सभी को। और ये कथन हैंड रिटन ही मैं दूंगा आपको। ऑडिबल है प्रॉपरली? तो ये शुरू करते हैं। 45 मिनट की क्लास है। ये नया ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से। 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है। कल इसकी लास्ट डेट है, 9 तारीख से शुरू है। 9, 10, 11 तीन दिनों के लिए ऑफर वैलिड था, ये वैलिड है। और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो ये ज़रूर इसको अप्लाई करें। अमित नेट मेरा रेफरल कोड है। अमित कुमार लाइव या अमित नेट, दोनों में से कोई भी अप्लाई आप कर सकते हैं, तो इसका लाभ उठाइए। कल तक ये ऑफर वैलिड है। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन गेट 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री, बाय 12 मंथ सब्सक्रिप्शन गेट 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री। दिस ऑफर इज वैलिड फ्रॉम 9th ऑफ मे टू 11th ऑफ मे। आज 10th ऑफ मे है। दिस इज माय रेफरल कोड। और विगत परीक्षाओं में अनअकैडमी ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जैसे 826 अनअकैडमी लर्नर्स क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, 298 लर्नर्स क्वालिफाइड फॉर JRF। सो दिस इज ग्रेट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस आर अवेलेबल देयर, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में आप क्लासरूम टीचिंग जैसी सुविधा का लाभ उठाते हैं। आइकॉनिक में आप को एक ट्यूटर प्रोवाइड किया जाता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। तो लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, ये सारे फीचर्स हैं इन क्लासेस के। वन स्टॉप सॉल्यूशन है अमित कुमार लाइव। दिस रेफरल कोड, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज माई इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एंड दिस इज द प्राइसिंग। 3 महीने के सब्सक्रिप्शन मान लीजिए 6250, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। और इसमें आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन जो ऑफर वैलिड है वो 6 मंथ और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर ही है। ताजमहल के ऊपर पॉलिटिक्स चल रहा है, तो हम आप क्या करें इसमें? इसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कुछ ना कुछ तो करेगा। जब शाहजहां के हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने तेजो महल या को ताजमहल बना दिया। आज दूसरों के हाथ में सत्ता है, वो ताजमहल को तेजो महल या बना देंगे, है कि नहीं? तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
मैत्राईणी उपनिषद में लिखा गया है, स्त्रियां जुए और शराब की तरह हैं। ये बड़ा अजीब वचन लगता है ना, मैत्राईणी उपनिषद में ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया? मैत्राईणी उपनिषद में कहा गया है कि स्त्रियां जुए और शराब के समान है। और जुए और शराब मतलब इससे बुरी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती समाज में। ऐसा क्यों कहा गया? ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का एक उदाहरण है। स्त्री के बिना चलता नहीं, और स्त्री के बारे में निगेटिव कमेंट्स भी देना है। स्त्री के बारे में निगेटिव कमेंट इसलिए देना है, इसलिए देते हैं क्योंकि स्त्री आपके यानी पुरुष के अहंकार को विवश कर देती है, और स्त्री के समक्ष पुरुष कहीं न कहीं असहाय सिद्ध होता है। अगर अहंकार की यात्रा में है तो वो असहाय सिद्ध होता है। कुछ प्राकृतिक संरचना ऐसी है कि पुरुष का अहंकार स्त्री के समक्ष झुक ही जाता है। स्त्री अगर माँ के रूप में हो तो भी बालक आश्रित है, स्त्री अगर पत्नी के रूप में हो तो भी पति आश्रित है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। स्त्री अगर पुत्री के रूप में हो तो भी पिता आश्रित है अपने मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए। हालांकि इसका उल्टा भी स्टेटमेंट मिल रहा है कि पुरुषों पे स्त्रियां सदैव आश्रित हैं। जब स्त्री छोटी होती है तो पिता पे आश्रित होती है, या होना चाहिए। जब थोड़ी बड़ी होगी किशोर अवस्था में भाई के ऊपर स्त्री को आश्रय लेना चाहिए। पत्नी के रूप में स्त्री होगी तो पति के ऊपर आश्रित होना चाहिए, वृद्धा होगी तो पुत्र के ऊपर आश्रित होना चाहिए। लेकिन चाहिए एक अलग विषय है। होता क्या है? होता यह है कि पुरुष बिना चाहिए के स्त्रियों के ऊपर आश्रित है, और जब पुरुष अहंकार ये स्वीकार नहीं कर पाता तो इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, स्त्रियां जुए और शराब के समान हैं, स्त्रियां नरक का द्वार हैं, स्त्रियां ये हैं, स्त्रियां वो। स्त्री ने कभी पुरुष के बारे में ऐसा नहीं कहा। किसी स्त्री ने पुरुष के बारे में कहा कि पुरुष ऐसा है, पुरुष वैसा है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो लिखा है वो गलत, सही लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है। लेकिन इसमें एक संकेत छुपा हुआ है कि ये अहंकार की यात्रा किस तरह से स्टेटमेंट देती है। खैर, नेगेटिव स्टेटमेंट से हम शुरू करना पड़ा। एक और स्टेटमेंट मिलता है, सर्व खलविदम ब्रह्मा। सर्व खल इदम ब्रह्मा,
ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले भगवान कृष्ण का उल्लेख किया गया है। यानी सभी जगह ब्रह्म ही व्याप्त है। सभी जगह ब्रह्म व्याप्त है। इसका मतलब कहाँ कहाँ ब्रह्म व्याप्त है? मेरे आगे तो एसी है, कमरा है, लैपटॉप है, आप लोग दिख रहे हो, आपके कमेंट्स दिख रहे हो, ब्रह्म कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उपनिषद नाम लिख दिया तो महाज्ञानी सिद्ध हो गए। कभी कभी महाज्ञानी भी अहंकार की भाषा बोलते हैं, जैसे कौवा कभी कभी हंस की चाल चलता है, वैसे ही हंस भी कौवा बन जाते हैं। ब्रह्म की उपलब्धि का मतलब ये है कि स्वयं के केंद्र पे जब आप पहुंचेंगे तो संसार के अस्तित्व के केंद्र पर आप पहुंच जाएंगे। और जो व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, उसको संसार की स्थापना दिखाई देने लगती है, पूरे ब्रह्मांड की स्थापना दिखाई देने लगती है, पूरे ब्रह्मांड का कोर दिखाई देने लगता है, केंद्र दिखाई देने लगता है। और उसे सत्य की अनुभूति होती है कि उदाहरण के लिए कोई वृक्ष है तो इस वृक्ष में हजारों पत्तियां हो सकती हैं, शाखाएं हो सकती हैं, लेकिन इस वृक्ष में दौड़ने वाली जो जीवन ऊर्जा है, वाइटल एनर्जी है, वही सत्य है, वही सबका कारण है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती, जो प्राण ऊर्जा है। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में एक प्राण ऊर्जा दौड़ रही है। उस प्राण ऊर्जा का अनुभव तभी होता है जब आपको अपने प्राणों का अनुभव हो गया हो, आत्मज्ञान हो गया हो, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाते हैं, तो फिर इस सत्य का भास होता है कि सभी जगह ब्रह्म है। तो ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है, इसको याद रखना है। इसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद का भी एक वचन है, अहम ब्रह्मास्मि। यानी मैं ब्रह्म हूं, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, याज्ञवल्क्य ने लिखा था इसको। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये है कि बूंद जब तक अपने आप को बूंद समझ रही है तब तक वो अहंकार में है। जिस दिन उसको इस अहंकार का भ्रम खत्म होता है तो बूंद को अपने सागर स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तो कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा ये भ्रम दूर हो गया कि मैं पानी की बूंद हूं नहीं, मैं सागर में मिल गई, मैं ब्रह्म हूं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समाना समुद्र में शोकत हेरी जाए। ये अहम ब्रह्मास्मि उपनिषदों का बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में है, इसको ध्यान में रखना है। तैत्तिरीय उपनिषद का एक वचन है, सदा सत्य बोलो। खूब अन्न उपजाओ, ये तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है। अब इसका क्या मतलब है?
सलाह सत्य बोलो तो बात तो सही है, खूब अन्न उपजाओ, क्या मतलब काफिया नहीं बन रहा है? ये दोनों बातें अलग अलग तल की बातें। आपको भी नहीं लग रहा ये अलग तल की बातें? एक तरफ तो सत्य की बात हो रही है, दूसरी तरफ अनाज की भौतिकवाद की बात हो रही है। सदा सत्य बोलो का मतलब ये है कि भीतर अगर आपने सच्चाई का अनुभव कर लिया है तो ही आपके मुंह से सत्य बोल निकलेगा। लेकिन भीतर की सच्चाई का अनुभव तभी हो सकता है कि जब बाहर की व्यवस्था आपकी तृप्ति देने वाली हो। यानी भौतिक उन्नति जब तक नहीं होगी तब तक आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है, और जब तक आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है तब तक सत्य भी संभव नहीं है। यानी भारतीय मनीषा भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों को संवेत लेकर के चलती है। खूब अन्न उपजाओ यानी समृद्धि होगी, समृद्धि होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, तो ये सुविधा होगी कि आप अपने भीतर से आत्मज्ञान की तरफ बढ़ सको या आत्मज्ञानी हो सको। और जिस दिन आत्मज्ञानी हो जाओगे उसी के बाद सत्य बोलोगे, उसके पहले सत्य भी बोलना चाहोगे तो झूठ निकलेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के पूरक, तैत्तरीय उपनिषद के स्टेटमेंट। एक और कथन है, आत्मा अजन्मा व अनश्वर है। और ओम ही सत्य है। यह स्टेटमेंट है कठोपनिषद का। आत्मा जन्मा व अनश्वर है, इसका मतलब ये है कि आत्मा नैनम, मतलब आत्मा की कभी मृत्यु होती है ना, इसका कभी जन्म होता है। वेरी गुड राहुल, राहुल मिया, रुहेल मिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कठोपनिषद की एक कथा है कि नचिकेता है, नचिकेता के पिता वाजश्रवा है। वाजश्रवा कहते हैं कि मैं अपने सारे साम्राज्य को ब्राह्मणों को दान में दे दूंगा, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति हैं मैं उनको दान में दे दूंगा। हाँ बिल्कुल सही है श्री। लेकिन हुआ कैसा, यज्ञ किया उन्होंने और उन्होंने बूढ़ी गायों को देना शुरू कर दिया, राज्य इत्यादि दिया नहीं। नचिकेता बार बार हट करने लगा कि आपने तो कहा था कि मैं ब्राह्मणों को सारा साम्राज्य दे दूंगा, बूढ़ी गायें दान में दे रहे हैं जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। बार 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 नचिकेता उनसे, उनको जलील करता है इनफैक्ट, कि आप अपने वचन से पीछे क्यों हट रहे। तो वाजश्रवा कहते हैं कि जाओ मैं तुमको यमराज को दान में दे देता हूं, मृत्यु को दान में दे देता हूं, जाओ खेल ही खत्म करते हैं। और नचिकेता यमराज के पास जाता है लेकिन यमराज उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उसका टाइम नहीं आया होता है। तो यमराज नचिकेता को कहते हैं कि तुम पूरे संसार का साम्राज्य मुझसे ले लो लेकिन यहाँ पे जाओ क्योंकि मृत्यु का भी तुम्हारा समय नहीं आया है। नचिकेता कहता नहीं, मेरे पिता ने तो मुझे दे दिया है,
मैं मरना चाहता हूँ, ये जीने से कोई मतलब है नहीं। तो यमराज शर्त रखता है नचिकेता के सामने कि क्या चीज तुम लोगे जिससे तुम मानोगे जाओगे यहां से। तो नचिकेता कहता है कि मुझे सत्य का ज्ञान दीजिए, जिसको पाने से कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता वो ज्ञान मुझे दीजिए, वो ज्ञान जब मुझे मिल जाएगी तो मैं जाऊंगा यहां से। तो यमराज नचिकेता को सत्य का ज्ञान देता है और वो सत्य का ज्ञान है ओम। ओम का पहला विश्लेषण कठोपनिषद में ही मिलता है। ये ओम क्या है? ओम कोई शब्द नहीं है, अस्तित्व का जो आधारभूत ध्वनि है वो ओम है, ओमकार है। इसको अनाहत नाद भी कहा गया है, संतों ने इसको राम कहा है, राम नाम प्रणव उद्गीत। बौद्धों ने इसको, जैनियों ने अश्रुत पूर्व कहा है। इसी ध्वनि से समस्त जगत का निर्माण हुआ है, समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है और प्रलय के बाद इस ध्वनि में समस्त सृष्टि लीन हो जाएगी। विज्ञान कहता है विद्युत से सृष्टि का निर्माण हुआ है और विद्युत का रूपांतरण ही ध्वनि है। अध्यात्म कहता है ध्वनि से सृष्टि का निर्माण, विद्युत का निर्माण हुआ है। जो आधारभूत ध्वनि है वो ओम है और ये ओम बीज मंत्र है जिसमें समस्त ज्ञान समाहित है। इस ओम का ही अनुभव गुरु अपने शिष्यों को कराते हैं, नाम दीक्षा देते हैं, नाम दान देते हैं और एक ध्वनि सुनाई देने लगती है उनको। उस ध्वनि में डूबते 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 वो सृष्टि के केंद्र और अपने केंद्र तक पहुंच जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कठोपनिषद में कहा गया ओम ही सत्य है। हाँ, नचिकेता की कहानी तभी तो मैंने सुनाया इसी के बारे में। यम और नचिकेता का संवाद है कठोपनिषद। यम नचिकेता को वहां पे सत्य का ज्ञान दे रहा है और नचिकेता सत्य का ज्ञान लेते हैं। तब ज्ञान होता है कि आत्मा अजन्मा व अनश्वर है नचिकेता को। मुंडकोपनिषद का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो भारत का ध्येय वाक्य भी है, सत्यमेव जयते। ये मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है। मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य की जीत होती है। ऐसा नहीं है, सत्यमेव जयते का अर्थ ये होता है कि सत्य ही है, असत्य है ही नहीं। जैसे अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार ज्ञान की अनुपस्थिति है, विधायक ही अस्तित्व रखता है, नकारात्मक अस्तित्व रखता ही नहीं है। विधायक जब वहां पे अनुपस्थित हो जाता है तो नकारात्मक दिखने लगता है। सत्यमेव जयते का अर्थ ही नहीं होता कि सत्य ही जीतता है, नहीं। सत्य में जयते का अर्थ होता है कि सत्य ही एग्जिस्ट करता है। प्रकाश एग्जिस्ट करता है, अंधकार एग्जिस्ट नहीं करता। प्रकाश का एब्सेंस है अंधकार, अनुपस्थिति है अंधकार। ज्ञान ही एग्जिस्ट करता, अहंकार एग्जिस्ट नहीं करता। ज्ञान की उपस्थिति है अहंकार। आनंद ही एग्जिस्ट करता है, दुख एग्जिस्ट नहीं करता। आनंद की अनुपस्थिति है दुख। अब हम क्या करते हैं, असत्य से लड़ने लगते हैं, अंधकार से लड़ने लगते हैं, अज्ञानता से लड़ने लगते हैं। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। हमें अंधकार से नहीं लड़ना है, एक दीपक जलाना है। हमें असत्य से नहीं लड़ना है, सत्य की दिशा में चलना है, प्रकाश की दिशा में चलना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय।
लेकिन जीवन दृष्टि उल्टी है, हम निगेटिविटी से लड़ रहे हैं। निगेटिविटी उसी दिन गायब हो जाएगी जैसे अंधेरा कमरा हो 1,000 साल का, और वहां पर एक दीपक जला दो, और 1,000 साल का अंधेरा ये नहीं कहेगा कि हम यहाँ पे शाश्वत हजारों साल से बैठे हुए हैं, आपने हमें हटा कैसे दिया, हमारा यहाँ दावा है, वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो है ही नहीं, वो विधायक अस्तित्व तो नहीं है, वो नकारात्मकता है। अगर आप अंधेरे से लड़ने लगोगे तो आप कभी नहीं जीतोगे, हमेशा हारोगे, क्योंकि जिससे लड़ रहे हो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए नेगेटिविटी को की तरफ देखना भी नहीं है, पॉजिटिविटी की तरफ प्रयास करना है। सत्यमेव जयते एक बहुत साधारण सा वाक्य नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि सत्य की ही जीत होती है, बात खत्म, नो। ये पूरा का पूरा जीवन दर्शन है, पूरा का पूरा फिलॉसफी है। इसका मतलब यह है कि सत्य ही है, असत्य है ही नहीं। अथर्ववेद का एक वचन है, युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है। युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग उसके बाद होता है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बड़े गहरे स्टेटमेंट हैं, और हर एक स्टेटमेंट में एक जीवन दर्शन छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या है? युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग उसके बाद होता है। इसका मतलब यह है कि बाहर जो भी लड़ाइयां हमको दिख रही हैं, वो बाहर की लड़ाइयां दिख रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति बाहर उसको लड़ रहा है, वो व्यक्ति वस्तुतः अंतर संघर्ष में डूबा हुआ है, स्प्लिट पर्सनालिटी है, अपने अंदर द्वंद में पड़ा हुआ है। तो भीतर ही द्वंद बाहर युद्ध के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो हमको बाहर की लड़ाई अगर हम जीत भी लेंगे, उससे भीतर का द्वंद नहीं जीत लेंगे, भीतर का द्वंद यथावत बना रहेगा, और फिर दूसरी लड़ाई की भूमिका रचेंगे और दूसरी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे, सिकंदर की तरह, नेपोलियन की तरह, हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह, सबकी तरह लड़ते रहेंगे, चंगेज खान, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, उस लड़ाई का अंत नहीं होने वाला, क्योंकि मूल कारण है उसको टैकल ही नहीं कर रहे हो। जहां पे युद्ध का बीज छुपा है उसको टैकल, उसको समाप्त ही नहीं करो। द्वंद को समाप्त करना है, मस्तिष्क के मन का जो द्वंद है उसको समाप्त करो। बाहर की लड़ाई जीतने से नहीं होगा, अंतर की लड़ाई जीतने से होगा। और जिन्होंने इस अंतर की लड़ाई को जीत लिया है, उसको कहा गया है जिन, जिन का मतलब विजेता, जैन धर्म में एक टर्म है ना जिन, जिनका मतलब है कि जिसने इस अंतर द्वंद को जीत लिया। अब ये जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, ये पुतिन के अंदर की लड़ाई है जो बाहर आई है। अब पुतिन के अंदर की लड़ाई का खामियाजा भुगत रहे हैं बेचारे वहां के सामान्य नागरिक, छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां, जिनका कोई दोष ही नहीं है, निर्दोष लोग। पुतिन को अथर्ववेद पढ़ाना चाहिए कि ये जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो ना, ये तुम्हारे दिमाग का खुराफात है जो लोगों को तबाह किए हुए है। तो अपने दिमाग को ठीक करो, निरपराधों को मत मारो। तो कितना गहरा स्टेटमेंट है, युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग उसके बाद होता है। अब इस सत्य को दुनिया जान ले तो अपना मानसिक चिकित्सा कराएगी लड़ाई करने के पहले।
और दुनिया की लड़ाइयाँ हमेशा चलती रहेंगी जब तक इस सत्य को ना जाना जाए। आपको भी लड़ने का जैसे ही मन करेगा तो अपने मन को देखना, लड़ाई वहां है कि लड़ाई बाहर है। आपकी पत्नी, आपकी पति, आपका अगर लड़ने के लिए आपको उकसाता है और अगर आपके मन में अंतर्द्वंद नहीं है तो आप लड़ने नहीं आओगे। असली लड़ाई तो भीतर है। उसकी जरूरत ही नहीं। लाओत्से एक संत हुआ चाइना में ना, लाओत्से कहता है कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। ताओ ते किंग एक दुनिया की सबसे छोटी आध्यात्मिक किताब लिखी है जो एक पोस्ट कार्ड में आ जाएगी लिखने में। लाओत्से कहता है मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। लोगों ने कहा क्यों नहीं हरा सकता, आप बड़े पहलवान हो। कहा नहीं, क्योंकि मैं हारा ही हुआ हूं। कोई मुझसे लड़ने आता है तो मैं जमीन पर लेट जाता हूं और कहता हूं मेरे ऊपर चढ़ जाओ और जीत लो, खुशियां मना लो, मैं विजेता, मैं विजेता। कोई ये कहता है कि वो श्रेष्ठ है, मैं निकृष्ट हूं, तो मैं पहले ही घोषित कर देता हूं कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, मैं तो निकृष्ट हूं, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं। वो प्रसन्न हो जाता है, वो लड़ेगा क्या? लड़ाई तो तब होगी जब मैं कहूंगा कि नहीं, तुम श्रेष्ठ नहीं हो, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं प्रतिस्पर्धा में तुमसे आगे हूं। तो लाओत्से कहता है चलो अगर मान लेते हैं, मैं कह देता हूं कि मैं श्रेष्ठ हूं और मैं तुमको हरा भी देता हूं, तो क्या तुमको हराने से मैं श्रेष्ठ हो गया? तुम्हारे छाती पे सवार होकर के मैं श्रेष्ठ हो गया? तुमको मार के मैं श्रेष्ठ हो गया? ये श्रेष्ठता का दावा वैध है। तो लाओत्से कहता है मुझे जीतने में उत्सुकता ही नहीं है, प्रथम होने की उत्सुकता ही नहीं है, मुझे प्रथम होना ही नहीं है, मैं अंतिम में खड़ा रहता हूं। तो लोगों ने पूछा इस तरह से तो आप जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति की तरह रहोगे, आप तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, हमेशा अंतिम में खड़े रहोगे, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे, कोई कंपटीशन नहीं दोगे। तो लाओत्से कहता है नहीं, मेरी प्रतिस्पर्धा मेरे खुद से है, आपसे नहीं है। मेरा जो कंपटीशन है वो मेरे आज से, मेरा कल ज्यादा विकसित होगा इससे है। आज जो मैं हूं, कल भी अगर मैं वही हूं, यानी एक दिन मेरा खराब हो गया, कल मेरा आंतरिक विकास ज्यादा होना चाहिए, ये प्रतिस्पर्धा। तो कहीं ना कहीं अथर्ववेद का ये वचन लाओत्से से रिजेंबल करता है। अथर्ववेद के ही पृथ्वी सूक्त में लिखा है, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये वेदों उपनिषदों की बातें बड़ी गहरी बातें हैं, उसको मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। भूमि माता है तथा मैं उसका पुत्र हूं। भारतीय मनीषा ने जो रिश्ता जोड़ा है प्रकृति के साथ, वो पूरी दुनिया में कभी नहीं जोड़ा गया। भूमि माता पुत्र अहम पृथिव्या। असल लगता है कि ये लोग कितने सेंटिमेंटल, इमोशनल फूल टाइप के रहेंगे। सबको माता कहते हैं, गाय माता है, भूमि माता है, प्रकृति माता है, नदी माता, कितनी माता है तुम्हारे पास? तुम्हें माता च पिता, तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़, तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव। लेकिन एक सत्य इसमें यह भी है कि अगर आप
भाव के तल पर जिससे जुड़े हुए हैं, प्रकृति के साथ अगर आप भाव के तल पर जुड़े हुए हैं तो प्रकृति का आप नुकसान नहीं करोगे, दोहन नहीं करोगे, अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के संवेदनाओं का हनन नहीं करोगे। तो भारतीय मनीषा ने प्रकृति से रिश्तेदारी, नातेदारी, श्रद्धा, प्रार्थना और आत्मीयता का संबंध स्थापित किया था और उसका परिणाम ये था कि आज की तरह पॉल्यूशन और विकास की तरह जगह विनाश और ये सब गंदगियां नहीं थी। अगर आप अपने सराउंडिंग के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति, नेचर के प्रति कृतज्ञ हो तो नेचर का आप नुकसान नहीं करोगे। सभी, जैसे घर में ये मेरे माँ है, मेरे पिता है, मेरा भाई है, मेरे मामा है, ये मेरे रिश्तेदारियां हैं, रिश्तों का जो आपसी संबंध है उसका आधार है प्रेम। इसी संबंध को भारतीयता ने विस्तार किया था प्रकृति तक, यह कोई अंधविश्वास नहीं था, यह एक अहोभाव की स्थिति थी, ग्रेटिट्यूड की स्थिति थी कि जिससे हम अपने संबंधों का विस्तार करेंगे उसका हम दोहन नहीं करेंगे, अपने स्वार्थ में उपयोग नहीं करेंगे। और आज मनुष्यता मृत्यु के कगार पे इसलिए खड़ी है क्योंकि इस संबंध को भुला दिया। अथर्ववेद में जो लिखा है, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूं, इसका मतलब यह है कि भूमि कोई कमोडिटी नहीं है, हमारे उपभोग के लिए कोई वस्तु नहीं रखी गई है कि जैसे चाहो खाओ पियो तोड़ो मरोड़ो फेंक दो। भूमि कोई वस्तु नहीं है कि जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ये हमारा पालन पोषण करती है उसी तरह से जैसे माता करती है। और जो सम्मान मैं माता को देता हूँ वही सम्मान मैं भूमि को देता हूँ। या भूमि केवल प्रतीकात्मक अर्थों में लिया गया है, ये पूरी प्रकृति के लिए, स्थूल जगत के लिए भी, सूक्ष्म जगत के लिए भी, देवताओं के लिए भी, परमात्मा के लिए भी, सबके प्रति एक कृतज्ञता की भावना, ये भारतीयता है। इसी तरह से एक स्टेटमेंट दिया गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल, उसमें कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, मेरी माँ हाउसवाइफ है यानी अनाज पीसती है, ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में। अभिमन्यु मैंने बताया है विडंबना क्या, ये दोनों का अप्रोच अलग अलग, उसके बारे में बता चुका हूं। ये जो 9वें मंडल का स्टेटमेंट है, 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त दिया है उस पर भारी पड़ गया, नहीं तो इस स्टेटमेंट से ये पता चला कि वर्ण व्यवस्था बाई बर्थ नहीं थी ऋग्वेद में। अगर ये इकलौता स्टेटमेंट ऋग्वेद में नहीं मिलता तो वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल कुरीति मान लिया जाता। तो इसी से बस पता चला कि वर्ण व्यवस्था बाई बर्थ नहीं थी और प्रत्येक व्यवसाय का सम्मान था, एक परिवार में कई वर्णों के लोग रहते थे, कई व्यवसायों के लोग रहते। मैं कवि यानी ब्राह्मण, पिता वैद्य यानी ब्राह्मण, माता अनाज पीसने वाली यानी शूद्र या वैश्य। सामाजिक विभाजन कार्यों के आधार पर नहीं हुआ था जो कि उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो आज का समय आपका इतना ही खत्म हुआ, ये अभी बहुत सारे स्टेटमेंट है, सबके गहराई में जाकर के उनका हम विश्लेषण करेंगे आगे। तो जाते जाते सिर्फ मैं यही कहूंगा कि प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन,
कंप्लीट यूजीसी एंड टीए नेट की तैयारी के लिए ये मस्ट है, और सफलता का रास्ता पेपर वन पेपर टू दोनों इसमें अवेलेबल है। सारा का सारा सिलेबस अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है, और अभी 2 दिन के लिए ऑफर चल रहा है 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है, और मेरा रेफरल कोड है अमित कुमार लाइव। इस रेफरल कोड से अगर आप लेंगे सब्सक्रिप्शन तो यू विल गेट बेनिफिटेड। एक कल तक का ही ऑफर है इसलिए इसको ध्यान में रखना है, कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा। अमित कुमार लाइव। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद।